अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। और माशाल्लाह आज है 1 सितंबर सन 2024 और मैं आया हूँ कराची कैंट रेलवे स्टेशन। आप सबको पता है कि 2 साल पहले जो है 35 ऑफ सर सैद एक्सप्रेस और 36 डाउन सर सैद एक्सप्रेस को मुल्क में सैलाबी सूरत हाल की वजह से बंद कर दिया गया था, सस्पेंड कर दिया गया था, और बाद में 28 अक्टूबर सन 2022 को जो है मुकम्मल तौर पर इसे बंद कर दिया गया। और पाकिस्तान रेलवे ने रास लॉजिस्टिक के तावन से इस ट्रेन को दोबारा 8 से रिस्टोर करने का फैसला किया है, और अभी 9 बजे जो है इसकी ओपनिंग सेरेमनी है, इनॉग्रेशन सेरेमनी है, इंशाल्लाह वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और बहुत सारे दोस्त हैं जो कहते हैं कि रास लॉजिस्टिक क्या है। रास लॉजिस्टिक जो है वो एक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, जो पाकिस्तान में ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रोवाइड करती है। बहुत सारे दोस्त हैं जो पूछते हैं कि रास लॉजिस्टिक करती क्या है, तो मैं आपको बता दूँ कि रास लॉजिस्टिक जो है, रास लॉजिस्टिक सर्विस कंपनी जो है ये प्राइवेट कंपनी है। ये इनके सर्विसेज में जो चीज़ें शामिल है वो फ्रेट फॉरवर्डिंग है, कार्गो हैंडलिंग है, और ट्रांसपोर्टेशन है, और लॉजिस्टिक सॉल्यूशन है। ये सारी चीज़ें जो है रास लॉजिस्टिक कंपनी में शामिल है। ये हमारे मिराज भाई हैं। अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने कॉल की थी कि भाई आप कहाँ हैं, तो मैंने इन्हें कहा कि मैं प्लेटफार्म नंबर 7 पे हूँ, जहाँ पर सर सैद एक्सप्रेस डिपार्ट होगी। तो भाई ये पिछले हफ्ते से ही आए हुए थे कराची, ये अटक के रहने वाले हैं और बहुत बड़े रेल फ़ैन हैं, और इन्होंने मुझे काफ़ी बार कॉल की कि आप आएँ और मिलकर रेल फैनिंग करते हैं, लेकिन बस मैं इनसे मदद कर ली कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है। और फिर कराची में बारिशें भी शुरू हो गई, जिसकी वजह से मैं जो है रेल फैनिंग के लिए कहीं नहीं निकल सका। तो आज किस्मत ने साथ दिया और यहाँ पर इनसे मुलाकात होनी थी मिराज भाई से। तो इनका अपना चैनल है ट्रैवल विद मिराज, वो भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं पहुंचाया हूं जनाब कराची कैंट रेलवे स्टेशन की वाशिंग लाइन पर, और यहां पर 35 ऑफ सर सैद एक्सप्रेस का रैक लगा हुआ है, ये वाला रैक है। तो चलते हैं, वाशिंग लाइन भी घूमते हैं और इसके रैक का भी विज़िट करते हैं, और इसकी क्लासेस भी चेक करते हैं कैसे वाश हुई हैं। और ये सारी आपको शाम का व्यू है, और मैं आपको दिखा रहा हूँ वाशिंग लाइन। फोर पैसेंजर ऑक्यूपेशन वाले स्लीपर में, ये है 4 पैसेंजर ऑक्यूपेशन वाला स्लीपर, और इसका किराया 9300 रुपये है पिंड कराची से रावलपिंडी तक पर पर्सन। और यहाँ पर जो है 4 आदमी आराम से बैठ सकते हैं, और ये बर्थ भी जो है ना माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त है, ये देखें इसकी, और 2 से 2.5 फिट है, ईज़िली बंद भी हो जाती है और खुल भी जाती है ये। और इसका गैप देखें आप, गैप माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त है, यहाँ भी आप ऊपर भी बैठ सकते हैं। और यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट है, और ये लाइट भी आप बंद कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है आपको ये दिखा दूँ, ये एक रैक बना हुआ है, अपना लगेज खाना वगैरह आप जो है यहाँ पर रख सकते हैं। और यहाँ पर LED भी लगी हुई है, ये देखें आप LED। और ये रैक जो है ये वाला, इससे आप आसानी से बर्थ पर चढ़ भी सकते हैं और अपना सामान भी रख सकते हैं। और अगर आप ये देखें बनाव श्रृंगार करना चाहें तो ये भी आप कर सकते हैं यहाँ से। और इसका मैं ये बटन दिखा दूँ आपको, ये बटन है पंखों के, एसी के, ये आप बंद ऑन कर सकते हैं, किसी वक्त भी आप कर सकते हैं ये। और इसी तरह वाशरूम है, ये मैं आपको वाशरूम दिखा देता हूँ, ये साथ ही अटैच वाशरूम है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की फैसिलिटी जो है पाकिस्तान रेलवे की तरफ से प्रोवाइड की गई है। अब हम चलते हैं जनाब 2 वाले SSTP में, 2 पर्सन के लिए जो है 2 पर्सन ऑक्यूपेशन वाला स्लीपर है ये, और ये आपका जो है ये है 2 वाला, और इसमें सामने जो है आपका जो है चार्जिंग पॉइंट है, और ये लाइट लगी हुई है ताकि आप जो है ना लाइट इसको थोड़ी चाहिए रीडिंग के लिए, रिसाले के लिए आपको चाहिए तो आप ये कर सकें। और न्यूली मैरिड कपल के लिए ये ज़बरदस्त चॉइस हो सकती है कि इसमें आराम से आप जा सकते हैं। और अगर आपके वालदैन बूढ़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, वो ट्रैवल करना चाहते हैं तो वो भी इसमें आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। और यहाँ पे LED लगी हुई है, और टेलीविज़न स्विच है, घंटी है, अटेंडेंट के लिए ये घंटी लगी हुई है कि आप अटेंडेंट को बुला सकते हैं बेल देकर। और यहाँ पर जो है वाशरूम है साथ ही अटैच, ये देखें जी ये वाशरूम है, और साफ़ सुथरा है। टू सीट 3 स्लैब 2, हाँ कह रहे हैं कि 2 जो है ना एक बर्थ पर जो है 2 आदमी आराम से लेट सकते हैं आप, क्योंकि ये 2 से 2.5 फुट का है ये बर्थ, आराम से ना लेटा जा सकता है। और ये यहाँ पर यह भी स्टैंड है, यानी कि लगेज रखने के लिए रैक है ये, इससे आप ऊपर बर्थ पर चढ़ भी सकते हैं आप। ये
काफ़ी देर से मैं रेल फेयरिंग कर रहा था, तो सोचा क्यों ना मैं एसी के मज़े लूं। और मैं जो है दो वाले केबन में यहाँ बैठ गया, और जब जो ही बैठा तो माशाल्लाह जो है ना बड़ी ज़बरदस्त कूलिंग का एहसास हुआ। इतना पसीना आया हुआ था कि जो है दिल खुश हो गया, जब वो खुश हुआ तो दिल खुश हो गया। मैंने कहा माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है, तो मैंने भी जो है ना आज जो है ना टू वाले केबन के मज़े लिए। चलें जी अब चलते हैं। चलें जी अब बारी है जनाब एसी स्लीपर से, तो मैं घूम फिर आया हूँ और आपको विज़िट करवाया। अब है एसी स्टैंडर्ड की बारी, तो जो ही हम एसी स्टैंडर्ड में दाखिल हुए और माशाल्लाह कूलिंग का एहसास हुआ, बहुत ही ज़बरदस्त कूलिंग। और ये मैं आपको दिखा देता हूँ, पर वाइट चादरें बिछाई गई हैं मुसाफरों के लिए, और साथ ही जो है ये तकिया रखा गया ताकि आपको तकिए की सहूलत भी हो। और ये देखें यहाँ पर जो है ना ये ज़बरदस्त जो है ना ये आराम से बैठा जा सकता है। और यहाँ पर ये तीन बर्थें हैं, एक कितनी बर्थें हैं बटिए, एक दो और तीन बर्थें हैं ये, ठीक है यहाँ पर दो बर्थें हैं। और यहाँ पर जो है फ़ैन चल रहा है ये देखें आप, और ये बर्थों के नंबर लिखे हुए हैं। और सामने ये बटी खोलेंगे, ये देखें हीट प्रूफ के लिए, अगर आपको दिन में गर्मी लग रही है और ये आप अंधेरे के लिए बंद करना चाहें तो ये आप बंद भी कर सकते हैं, खोल दें आप, ठीक है। तो ये लगा हुआ है, और साथ अगर हम उसके बर्थों की बात करें तो बर्थें भी जो है ना 2 से 2.5 फीट आराम से जो है ना बैठा जा सकता है। और यहाँ पर अगर हम चार्जिंग पॉइंट की बात करें तो चार्जिंग पॉइंट जो है ये नीचे दिए हुए हैं, और यहाँ पर आप चार्जिंग भी कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, इसका किराया है 8,200 रुपये कराची से रावलपिंडी तक के लिए, और बहुत ही मज़ेदार सफ़र गुजरेगा, एक दफ़ा आप करके देखें। और सबसे मज़े की बात मैं आपको बता दूं, ये जुर्माने वाली, ये देखें ये लगा हुआ है आपके पास, ये एमरजेंसी के लिए आप इसको दबा सकते हैं, लेकिन एमरजेंसी की सूरत में। और जुर्माना होगा 2,000, ये तो सिर्फ 2,000 लिखा हुआ है, आपको कैद भी हो सकती है। और ये उस सूरत में जब आपके साथ एमरजेंसी है, आपकी कोई फैमिली नीचे रह गई है, बच्चा रह गया है, या कोई मसला हो गया है, तो उस सूरत में आप ये ब्रेक जो है आप दबा सकते हैं और गाड़ी को रोका जा सकता है। और टनल में आपको ये दिखा देता हूँ, अभी ये तैयारी हो रही है सर सैयद एक्सप्रेस की, तो देखें जी अमला पूरा स्टाफ लगा हुआ है ये, चले मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ, देखें ये है एसी बिज़नेस क्लास का कॉरिडोर। और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, देखें जी ये डी कंपार्टमेंट है और 6 सीटर है, मतलब 6 बर्थें हैं इसमें। और यहाँ पर देखें क्या ज़बरदस्त माहौल है, और यहाँ पर जो है 6 बर्थें हैं, 6 बंदे आराम से पैसेंजर आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। सेम उसी तरह यहाँ पर भी देखें ये रैक के लिए, रैक के सामान के लिए, और यहाँ एक छोटी सी टेबल है खाने के लिए, और साथ नीचे ही जो है ना ये देखें आप चार्जिंग के लिए जो है सॉकेट बनाया गया है। यहाँ भी आप लाइट ऑन ऑफ कर सकते हैं ये देखें, और अपनी रीडिंग के लिए या रिसाला वगैरह पढ़ने के लिए ये छोटी लाइट ऑन कर सकते हैं। और यहाँ भी ये लगेज के लिए, और बेहतरीन है। और इसका किराया मैं आपको बता दूं, इसका किराया है जनाब 9,000 रुपये कराची से रावलपिंडी तक के लिए। और यहाँ भी LED है, और यहाँ भी बनाओ सिंगार के लिए सामने जो है शीशा है। और यहाँ से आप खोलें बंद करें, देखिए कुंडी लगी हुई है, आप आराम से बंद कर सकते हैं और आराम से बाहर। और ये जो है बाहर बैठ कर आप, ये छोटी सीटें लगी हुई हैं, ये बाहर बैठ कर आप बाहर का नज़ारा भी आप कर सकते हैं ट्रेन से आउटसाइड। एसी स्टैंडर्ड बिजनेस और स्लीपर सारी क्लासेस आपने देखी, और ये माशाल्लाह जो है इकॉनमी क्लास, और खुली खुली बर्थें हवादार, और आप खिड़की भी खोल सकते हैं बंद भी कर सकते हैं, और यहाँ चार्जिंग पॉइंट भी लगे हुए हैं, फ़ैन भी लगे हुए हैं, और बर्थें भी माशाल्लाह खुली खुली हैं। और किराया है जनाब कराची से रावलपिंडी तक के लिए 4,500 रुपये सीट का है इस सीट का, और 4,600 रुपये है इस बर्थ का। ये भी सफ़र आरामदेह है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। सर सैयद एक्सप्रेस की क्लासेस घूमने के बाद स्टैंडर्ड भी घूमी, और उसके बाद हमने जनाब बिज़नेस और स्लीपर और इकॉनमी तीनों का विज़िट करवाया आपको। उसके बाद मैं आ गया हूँ डाइनिंग कार्ट में, और डाइनिंग कार्ट भी माशाल्लाह अच्छी सजाई गई है, और यहाँ पर जितना भी अमला है माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त था, और जनाब मेरे साथ बड़ा ज़बरदस्त कोऑपरेट कर रहा था। भाई ने फरमाइश की कि भाई हमारे साथ सेल्फीज़ हो जाएं, फ़ोटोज़ हो जाएं, तो मैं इन भाइयों के साथ जो है ना जितने भी यहाँ पे थे, कुक थे या वेटर थे या जितने भी जो जिनकी ड्यूटी थी या बावर्ची थे, सब के साथ घुल मिल गया, और मैंने खूब जो है ना इन्जॉय किया, और इनके साथ मैंने तस्वीरें बनवाई। रात हो गई है तकरीबन 8:30 बजे का टाइम हो गया है, और
मैं वाशिंग लाइन घूम रहा था और मैंने कहा पता करूँ जाकर कौन से जो है ना प्लेटफार्म पे 35 आप सर सैद एक्सप्रेस आकर लगेगी। तो ये जनाब 7 नंबर प्लेटफार्म है जहाँ पर सर सैद एक्सप्रेस आकर लगेगी है। तो मैं यहाँ पर आ गया हूँ और ट्रेन का इंतज़ार कर रहा हूँ कि सर सैद एक्सप्रेस आए और उसको मैं कैप्चर कर सकूँ। गड़ियाँ ख़त्म हुई और माशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से और अल्लाह पाक खसूसी करम की से पाकिस्तान रेलवे इंतजामिया इस काबिल हुई कि आज माशाल्लाह 35 आप सर सैद एक्सप्रेस और 36 डाउन सर सैद एक्सप्रेस अपनी जर्नी स्टार्ट करने जा रही हैं। वेलकम करते हैं 35 आप सर सैद एक्सप्रेस को। लोग इस इंतज़ार में मौजूद थे कि पावर आए और इसके साथ अटैच हो। तो इसी दौरान जो है इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई और सामने से GEU409013 आता हुआ दिखाई दिया और तमाम लोग जो है उसकी तरफ लपके ताकि हम जो है ना इसको जो है ना कैमरे की आंख में महफूज कर सके। तो इसी दौरान जो है रेलवे का अमला भी मौजूद था ताकि वो इसको कपल कर सके। आहिस्ता आहिस्ता जो है जो ही करीब आ रहा था तो जो है ना रवाना होने की घड़ियाँ भी करीब आ रही थी। तो माशाल्लाह जो है का रेलवे के अमले ने इसको जो है कपल किया और सर सैद एक्सप्रेस को रेडी किया ताकि जो है ना ये अपनी फर्स्ट जर्नी के लिए जो है ये रवाना हो सके। तो ये बिल्कुल जो है ये कपल होने के मनाजिर हैं। तो बिल्कुल जो है ना ये कपल हो रहा है, आप भी देख सकते हैं। माशाल्लाह इंजन भी कपल हो गया और उसके बाद जो थी ओपनिंग सेरेमनी।
तो यहाँ पर रेलवे के ऑफिशियल्स और रास लॉजिस्टिक कंपनी के ऑफिशियल्स आए हुए थे और जिस पर जो है ना फूलों की पत्तियाँ भी निछावर की गई और उसके बाद जो है पाकिस्तान के हक में नारेबाजी भी की गई, पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे भी लगाए गए और इस ओपनिंग सेरेमनी के बाद जो है खसूसी दुआ की गई ताकि अल्लाह ताला जो है ना रेलवे को कामयाबी और कामरानी अता फरमाए और सर सैयद एक्सप्रेस का जो जर्नी है इसको कायम दायम रखे और जो है ना ये भी अहद किया गया कि मुसाफरों के लिए इंशाल्लाह जो है ना अच्छी से अच्छी सहूलतें भी फराहम की जाएंगी। खूबसूरत अंदाज में सर सैयद एक्सप्रेस 35 अब सर सैयद एक्सप्रेस ने डिपार्चिंग विसल दी और सब ने इसको अलविदा कहा, खैर बाद कहा कि अल्लाह ताला और दुआएं बहुत सारी दुआएं की जितने भी लोग मौजूद थे कि अल्लाह ताला सर सैयद एक्सप्रेस को अपने मंजिल मकसूद पर खैर खैरियत से पहुँचाए और जितने भी मुसाफिर इस ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं अल्लाह ताला उनको भी खैर खैरियत से रखे। सर सैयद एक्सप्रेस कराची कैंट रेलवे स्टेशन से डिपार्ट हो गई है और अब जाकर इसका अगला पड़ाव होगा ड्रिग रोड और उसके बाद जो है हैदराबाद जाकर रुकेगी। हैदराबाद से रोड़ी, फिर बहावलपुर, खानेवाल, फैसलाबाद, सांगला हिल, हावज़ाबाद, वज़ीराबाद, गुजरात, जेहलम और आखिरी मंजिल इसकी होगी जनाब रावलपिंडी, जाकर ये स्टे करेगी, रुक जाएगी, आखिरी स्टॉप है। चलें जी आप भी इसके डिपार्चिंग देखें और बहुत ही खूबसूरत तरीके से डिपार्ट हो रही है और मैं भी अपना व्लॉग यहाँ पर जो है ख़त्म करता हूँ। काफ़ी आज अच्छी रेल फैनिंग की, बहुत मज़ा आया, सर सैयद एक्सप्रेस को फुल विज़िट किया, आपके साथ शेयर किया और इन्जॉय किया और बस थोड़ा सा और अच्छा हो जाता अगर ये रेलवे इंतज़ामिया सर सैयद एक्सप्रेस को प्लेटफार्म नंबर 1 या 2 से डिपार्ट करवाती क्योंकि वहाँ लाइटिंग अरेंजमेंट बड़ी ज़बरदस्त थी। प्लेटफार्म नंबर 7 पे कोई ख़ास तौर पर लाइट अरेंजमेंट नहीं थी इसलिए जो है वीडियोस आपको जो है थोड़ा वो अंधेरे वाली मिली और तस्वीरें भी अच्छी नहीं आई। चलें कोई बात नहीं, रेल फैनिंग तो हुई, अच्छा है हमने कैप्चर किया। उम्मीद है कि मेरी ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, मेरा ये व्लॉग पसंद आया है तो मेरा चैनल यूट्यूब पर ट्रैवल विद SB को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे फेसबुक भी फॉलो कीजिएगा, ट्रेन लवर के नाम से ID है और मुझे टिकटॉक, अगर आप रील्स के शौकीन हैं और छोटी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मुझे आप टिकटॉक भी फॉलो कीजिएगा, टिकटॉक भी मेरी ट्रेन लवर के नाम से ID है। मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा और मैं भी आपको हमेशा दुआओं में याद रखता हूँ और पाकिस्तान रेलवे को भी दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान रेलवे पाइंदाबाद, खुश रहें, खुशियाँ बाँटें, लोगों के लिए दुआएँ करें, दुआएँ लें, बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।